नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में बताएंगे भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी और उनके परम भक्त भक्त श्री बलराम दास के बीच में हुई एक घटना के बारे में, और जिसे सुनकर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भक्ति किसे कहा जाता है। उसी समय प्रताप रुद्रदेव उड़ीसा के गजपति हुआ करते थे और महाराजा प्रताप रुद्रदेव भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त थे। एक दिन महाराजा प्रताप रुद्रदेव अपने बगीचे में घूम रहे थे और उनका नज़र एक विशालकाय कटहल के ऊपर पड़ा, और जैसे ही वो कटहल को देखा उन्होंने तुरंत ही अपने मन में सोच लिया कि ये कटहल मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी को अर्पण करूँगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने परम भक्त बलराम दास से कहा कि राजा के बगीचा में एक बहुत बड़ा कटहल का फल है, चलो उसे खाने चलते हैं। और ये बात जैसे ही बलराम दास ने सुना उन्होंने भगवान को तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और जब भगवान बार बार अपने भक्त से ये बात कहा कि चलो कुछ नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तभी बलराम दास राजी हो गए और एक दिन रात को भगवान श्री जगन्नाथ जी के साथ बलराम दास भी राजा के बगीचा में चले गए। बगीचे के अंदर घुसते ही उनका नज़र बड़ा सा कटहल के फल के ऊपर पड़ा और भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भक्त बलराम दास से कहा कि इसे नीचे कैसे ला जाए। तभी बलराम दास ने कुछ समय सोचने के बाद कहा कि प्रभु मैं झुक जाता हूँ, आप मेरे पीठ पर चढ़ जाइए। तभी ऐसा ही हुआ, जब बलराम दास झुक गए और प्रभु उनके पीठ पर एक ही पैर रखा, तभी बलराम दास बहुत बड़ी आवाज़ से चिल्लाए कि मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा करो। तभी प्रभु अपनी पैर हटा ली और तभी बलराम दास ने कहा कि प्रभु आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण चराचर आपके शरीर में व्याप्त हुआ है, इसका भार भला हम एक साधारण मनुष्य कैसे सहन कर सकते हैं। तभी प्रभु थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने भक्त बलराम दास से पूछा, तभी तुम बताओ हम अभी क्या करें। तभी भक्त बलराम दास ने कहा बड़ी विनयपूर्वक, प्रभु आप झुक जाइए और आपके पीठ पर हम चढ़ेंगे और इस कटहल की फल को तोड़कर ले आएंगे। भक्त की इस विनयपूर्वक बात को सुनकर प्रभु तुरंत ही झुक गए और भक्त बलराम दास प्रभु के पीठ पर चढ़कर उस कटहल की फल को तुरंत ही ले आए। उस बड़ा सा फल को दोनों ही बड़े आनंदपूर्वक खाने लगे और ऐसे खाते खाते भक्त बलराम दास को नींद आ गई। और जैसे ही उसे नींद आ गई तभी प्रभु ने सोचा कि भक्त बलराम दास को उस बड़ा सा कटहल के अंदर सुला दें, और ऐसा ही किया। और उसके बाद जो कुछ बचा हुआ छिलका था उसके ऊपर ही लपेट दिया। जैसे ही सुबह हुई बलराम दास की आंख खुली और उन्होंने अपने आप को उसी बगीचे के अंदर ही पाया, और उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि प्रभु सब कुछ खाकर चले गए और मुझे यहाँ फंसा दिए। वो ऐसे ही सोच रहे थे, राजा के कुछ सैनिक आए और उन्हें कटहल के साथ देखकर उन्हें तुरंत ही बांधकर राजा के पास ले गए। सैनिक लोग राजा को संपूर्ण वृतांत सुनाए और इसे सुनकर राजन अत्यंत क्रोधित हो गए। तभी राजन ने बलराम दास से कहा कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं क्या ये सच है। तभी बलराम दास ने कुछ नहीं कहा। बलराम दास वहाँ बिल्कुल चुपचाप खड़े थे और मन ही मन ये सोचने लगे, अगर मैं राजन को सब कुछ सच बता भी दूँ क्या ये यकीन करेगा। राजन ने उन्हें चुपचाप देखकर ये सोचने लगे, ये सच में ये आदमी इस कटहल की फल को चालू कर दी। राजन ने उन्हें ये दंड दी कि इनके पीठ पर चाबुक प्रहार किया जाए और उन्हें कारागार में बंद कर दिया जाए। और सैन्य लोग वैसा ही किए, उन्हें कारागार में तुरंत ही बंद कर दिए। और रात को जब बलराम दास अपने भगवान से कहा कि प्रभु मेरा इसमें क्या गलती था, आपने सब कुछ खाया और ये लोग मुझे दंड दे रहे हैं। और इसी बात को सुनकर भगवान श्री जगन्नाथ जी राजा को सपने में कहा कि हे राजन, तुम जिस आदमी को अपने कारागार में रखे हुए हो वो मेरा परम भक्त है और उसका कोई कसूर नहीं। तुमने मन ही मन इस कटहल की फल को मुझे अर्पण कर दी थी और मैंने उसे जाकर खाकर चला आया, और तुम मेरे भक्त को क्यों कष्ट दे रहे हो। इसके बाद राजन तुरंत ही नींद से उठ गए और भक्त बलराम दास के पास चले आए और उनसे
क्षमा प्रार्थना की और उनसे कहा कि मुझे भूल हो गई, मुझे आप क्षमा कर दो, मुझे ये पता नहीं था कि आप भगवान श्री जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त हो। राजन ने उन्हें अति सम्मानपूर्वक उनके घर पर छोड़ाए। तभी भक्त बलराम दास के मन में ये प्रश्न आया कि प्रभु, जब कटहल के फल खा रहे थे तभी आपने आधा खाई और हमने भी आधा खाया, और जब हम मार खा रहे थे तभी हमने पूरा का पूरा मार क्यों खाया? तभी भगवान श्री जगन्नाथ जी कहा कि नहीं, मैंने भी उससे आधा खाई, चाहे तो तुम मेरे पीठ पर देख सकते हो। तभी बलराम दास ने देखा कि प्रभु के पीठ पर चावक की निशानी है, और इसे देखकर बलराम दास वहीं पर रो पड़े और उन्होंने कहा कि प्रभु, आप कितना महान है, आप भक्त वत्सल हो, आप भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते, आप भक्त के लिए मार भी खाते हो, ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा जो भक्त के लिए मार भी खाता है। आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामी हो, लेकिन भक्त के सामने आप उनका दास बन जाते हो। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। तो दोस्तों, इसे पता चलता है कि प्रभु अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं और अपने भक्त के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचशखा, जय उड़ीसा, जय भारत।